मनीषा तिवारी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। 2020 में दो बहुत बड़ी फिल्में आने वाली, एक सलमान खान की राधे तो दूसरी अक्षय कुमार की लक्ष्मी बॉम्ब जो कि कंचना फिल्म की रीमेक है। तो यहाँ पे हम पब्लिक से जानने के लिए आए कि वो कौन से फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है, तो चलिए जानते हैं। दो बहुत बड़ी फिल्में आने वाली है, एक कंचना फिल्म की रीमेक है अक्षय कुमार की लक्ष्मी बॉम्ब और दूसरा राधे है सलमान खान के, तो दोनों फिल्मों के बीच क्लैश होने वाली है। आप कौन से फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो और कौन फिल्में सबसे पहले देखने जाओगे? देखिए एक बात बताता हूँ मैं आपको, ये दो बड़ी बैनर की पिक्चर रिलीज हो रही है और ईद का मौका है, हाँ। है ना, तो ऑडियंस दोनों को मिलेगी, हाँ। इसमें ये नहीं कि एक पिक्चर में ऑडियंस ज़्यादा जाएगी एक में कम जाएगी। अक्षय कुमार बड़े स्टार हैं, सलमान भाई बहुत बड़े स्टार हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अक्सर क्या होता है कि ऐसा क्लैश नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दोनों फिल्में क्लैश हो रही हैं, यहाँ दोनों फिल्में क्लैश हो रही हैं। मुझे लगता है कि ईद तक कोई ना कोई एक अच्छा कोई सजेशन आएगा और दोनों कंचना की रिलीज या तो पहले होगी या बाद में होगी। तो आप कौन से फिल्म के लिए, दोनों में से कौन सी फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड और कौन सी फिल्म? मैंने क्या है, मैंने दोनों ही हीरो के साथ काम किया है, हाँ। सलमान भाई के साथ मैंने वीर की थी और अक्षय भाई के साथ मैंने अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों की थी, तो मेरे लिए दोनों फेवरेट हैं, दोनों मेरे दिल के करीब है और दोनों को मैं पसंद करता हूँ, तो मैं तो दोनों की पिक्चर देखूँगा। अगर बात करें टीजर में जो अक्षय सलमान खान की है वो वांटेड फिल्म के जैसी है, थोड़ा बहुत एक्शन वगैरह, तो उसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, क्या बोलना चाहोगे? देखिए वो क्या है कि वो सलमान भाई का टच है, वो फील है, सलमान भाई उसमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत फ्लॉप के बाद सलमान भाई की वांटेड आई थी, वो बहुत बड़ा बिजनेस उसमें किया था, तो वो एक अलग टच है उस चीज़ का। और कांचना हम लोगों ने कई बार देख रखा है, एक थ्रिलर है, एक अपने हॉरर टाइप एक कॉमेडी है, तो वो अक्षय उसमें बहुत माहिर है, तो दोनों का ही अपने एक बड़ी टीआरपी हो, बड़ी एक ओपनिंग दोनों को लगी। तो सुपर डुपर कौन सी फिल्म होने वाली है? आई होप कि मुझे लगता है कि शायद सलमान भाई को ज्यादा देखें, राधे, हाँ राधे ज्यादा देखें, ओके ऐसा मेरा मानना है। ओके, ईद के मौके पे रिलीज होने वाली है 2020 में सलमान खान की राधे और अक्षय कुमार की लक्ष्मी बॉम्ब, तो आप क्या बोलना चाहोगे, आप कौन से फिल्म के लिए ज्यादा एक्साइटेड और कौन से फिल्म पहले देखने चाहोगे? ऑब्वियसली पहले मैं लक्ष्मी बॉम्ब देखने चाहूँगी क्योंकि अक्षय कुमार की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, okay. साथ ही साथ उनका जो लुक उस मूवी में दिखने वाला है बहुत यूनिक रहने वाला है, तो मैं लक्ष्मी बॉम्ब पहले देखने जाऊँगी, राधे भी देखने जाऊँगी, बट यस पहले लक्ष्मी बॉम्ब। ओके, लक्ष्मी बॉम्ब का आपने पोस्टर देखा? हाँ पोस्टर तो मैंने देखा है, वही मैंने आपको बताया, हाँ। कि जो अक्षय कुमार का जो लुक है वो देखने के लिए बहुत यूनिक लुक है, वो देखने के लिए और बहुत यूनिक कंसेप्ट है वो देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। राधे फिल्म के लिए क्या बोलोगे, मतलब किस तरह की टीजर में आपको मूवी क्या लग रही है, क्या इमेजिन कर सकते हो, क्या बोलोगे? सो मुझे ये लगता है कि दबंग से रिलेटेड कुछ मूवी है राधे, ज़्यादा मैंने उसके बारे में देखा नहीं है, बट दबंग से रिलेटेड दिख रही है मुझे ये मूवी, काफ़ी ज़्यादा एक्शन है, हाँ। मतलब आप अक्षय कुमार के फिल्म के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो? हाँ, क्योंकि जो कंसेप्ट उन्होंने उठाया है इस मूवी में वो कंसेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी सबको देखना, और ये मूवी बहुत अलग रहेगी इसलिए मैं ये मूवी ज़्यादा पहले देखना चाहूँगी। ओके, अब बात करें अगर दोनों फिल्मों के बीच क्लैशेस है तो आप क्या बोलना चाहोगे कि कौन सबसे ज़्यादा टक्कर देगा, क्योंकि ईद जो है हमेशा सलमान खान की होती है? हाँ देखिए इस बारे में तो कोई भी कुछ नहीं बता सकता क्योंकि हमेशा सलमान खान ईद के मौके पर रिलीज़ करते हैं और उनकी मूवीज़ ब्लॉकबस्टर रहती है, बट इस बार क्योंकि अक्षय कुमार उन्हें टक्कर दे रहे हैं तो हम भी एक्साइटेड हैं ये देखने के लिए कि क्या अक्षय कुमार उन्हें ईद के मौके पर टक्कर दे पाएंगे। ओके, तो दोनों फिल्मों में से कौन सबसे ज़्यादा मतलब सुपर डुपर हिट होगी, क्या बोलोगे इमेजिन? मेरे हिसाब से तो लक्ष्मी बॉम्ब होना चाहिए, बट ये तो अभी समय ही बता पाएगा कि कौन ले जाता है ईद के मौके पर जो सक्सेस है उसकी चाबी कौन ले जाता है, अक्षय कुमार ले जाता है या फिर सलमान हमेशा की तरह। यहाँ पे सलमान खान की राधे आने वाली है ईद के मौके पे और वहीं साथ ही साथ अक्षय कुमार की लक्ष्मी बॉम्ब आने वाली है जो कि कंचना फिल्म की रीमेक है, तो आप क्या बोलना चाहोगे, कौन से फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो? देखिए अगर बॉलीवुड की बात की जाए तो दोनों ही एक्टर जो है ना मतलब सुपर हीरो हिट हैं और दोनों ही जो है मतलब बहुत अच्छी मूवी लेके आते हैं जिन्हें जो ऑडियंस बहुत पसंद करती है और उनके फैन फॉलो भी बहुत बड़े उस पर हैं, हाँ। तो कंपेयर करना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि पता नहीं चलता कि ऑडियंस कहाँ जाएगी, किस थिएटर में जाएगी, लेकिन अगर ईद की बात की जाए तो ऑलमोस्ट सलमान जी जो हैं वो काफ़ी लॉन्ग टाइम से जो हैं ईद पे कोई ना कोई बड़े बजट की पिक्चर रिलीज़ करते हैं और इंतजार भी रहता है लोगों को कि ईद पे पिक्चर रिलीज़ हो रही है तो ऑलमोस्ट उसे देखने जाते हैं, तो मेरा मानना ये है कि सलमान खान की मूवी जो है उसको लोग बाग जरूर देखने जाएंगे। तो यहाँ पे अगर बात करें अक्षय कुमार की जो लक्ष्मी बॉम्ब है वो टक्कर दे पाएगी सलमान खान की फिल्म राधे को?
देखिए वो इसके बारे में तो कुछ ऐसा हम नहीं कह सकते कि टक्कर देगा, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि दोनों स्टार बड़े स्टार हैं, ठीक है ना। लेकिन ईद के मौके पे पहले ही सलमान खान एक अच्छा प्रोजेक्ट लेके आते हैं और लोग काफ़ी पसंद करते हैं, तो मेरे आइडिया से सलमान खान की जो है वो ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पे हिट रहेगी। टीजर देखा आपने, कैसा लगा सलमान खान का वो रादे फिल्म का? बहुत अच्छा टेलर लगा और उससे अच्छा रिस्पॉन्स भी आएगा। उसी को देखेगा कंपेयर किया जाए तो अकॉर्डिंग टू अक्षय सलमान खान की काफ़ी अच्छी बेस्ट मूवी जाएगी। और अगर लक्ष्मी बॉम्ब की बात करें तो उसका भी पोस्टर आ चुका है, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। आपने पोस्टर देखा? मैंने अभी पोस्टर नहीं देखा, ना कभी ट्रेलर देखा है उसने। जब मैं उसको देख लिया तब उसके कुछ मैं व्यू आपको दे पाऊंगा, अभी उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। उनकी फिल्म और अक्षय कुमार की फिल्म दोनों 2020 में ईद के मौके पर रिलीज होने वाली, तो आप कौन से फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड और देखने पहले जाओगे? लाइक सलमान खान की फिल्म, लाइक मैं सलमान खान का फ़ैन हूँ, लाइक मुझे सलमान खान की फिल्म को, लाइक राधे का एक्शन भी अच्छा है उसमें, लाइक ट्रेलर भी अच्छा है उसका, टीजर भी, और मैं सलमान खान का फ़ैन हूँ, सो मैं सलमान खान की फिल्म को ज़्यादा देखूँ। ओके, लक्ष्मी बॉम्ब के बारे में क्या बोलोगे? वो कंचना फिल्म की रीमेक है, वो भी एक हद तक ठीक ही फिल्म है, बट मेरे ख्याल से बिकॉज ईद का मौका है और लाइक सलमान खान का फैन फॉलोइंग भी बहुत है, तो शायद वो लक्ष्मी बॉम्ब इतना हिट नहीं जाएगा, तो सलमान खान का थोड़ा अच्छा चलेगा। तो दोनों फिल्मों के बीच क्लैशेज भी होने वाले हैं, इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? बारे में लाइक क्लैशेस तो हो जाएंगे, बट एज यूजुअल ईद सलमान खान ही जीतेंगे, और तो कोई आगे मतलब टिक नहीं पाएंगे उनके सामने। मतलब अक्षय कुमार उनको टक्कर नहीं दे पाएंगे, ऐसा आपका कहना है? टक्कर तो दे लेंगे, बट जीतना तो सलमान खान को ही है। अच्छा, ऐसा आपको लग रहा है? या लास्टली क्या आप मैसेज देना चाहोगे जो भी है सलमान खान को या अक्षय कुमार को? लाइक अक्षय कुमार की बहुत अच्छी फिल्म है, सलमान खान की भी बहुत अच्छी फिल्म है, बट मतलब एक्शन अक्षय कुमार और सलमान खान इज नोन फॉर ड्रामेटिक, तो लाइक दोनों में देखेंगे फिल्म कौन सी अच्छी है तो उसमें चले जाएंगे। तो आपके हिसाब से सुपर डुपर जो फिल्म होगी वो राधे होगी? यस। थैंक यू सो मच। 2020 में ईद के मौके पे दो बहुत बड़ी फिल्में आने वाली है, एक तो सलमान खान की राधे, दूसरी अक्षय कुमार की लक्ष्मी बॉम्ब जो कि कंचना फिल्म की रीमेक है, तो आप कौन से फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड और कौन से फिल्म सबसे पहले देखने जाओगे? सलमान खान की मूवी राधे सबसे पहले, इसके लिए सबसे ज़्यादा यस। ओके, तो आपने उसका टीजर देखा? हाँ देखा। कैसा लगा? अच्छा लगा। उसके बारे में कुछ भी बोलोगे, बता सकते हो जो भी एक्शन वगैरह के बारे में, किस तरह की एक्शन लगी आपको? अच्छा एक्शन लगा उसमें और अच्छा मूवी आने वाला है वो। तो क्या लगता है मतलब ईद के मौके पे राधे भी रिलीज होने वाली है और लक्ष्मी बॉम्ब भी रिलीज होने वाली है, और जैसा कि हम सबको पता है ईद जो है वो भाई का होता है, तो क्या बोलोगे मतलब दोनों फिल्मों के बीच क्लैशेज जो होने वाले हैं वो कौन सुपर डुपर हिट होगा? राधे होगा। राधे ही होगा? यस। ओके, देखा पब्लिक की क्या राय है। वेल, आपका क्या है कहना, आप कौन से फिल्म के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड और कौन से फिल्में सबसे पहले देखने जाओगे, राधे या लक्ष्मी बॉम्ब, ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरा पर्सन सुजय के साथ मनीषा तिवारी, बॉलीवुड स्पाई।